आपको सबको पता है टुडे इज 21 जुलाई मंगल है वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर लेसन कुरान मजीद ठीक कुरान मजीद ओके बेटा कुरान मजीद लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि जब हमने ये ये हम आपकी प्रैक्टिस है ना जब आप सोने के लिए बेड पे जाते हैं तो सोने की दुआ पढ़ते हैं ना पढ़ते हैं सोने की दुआ और जब आप सो के उठते हैं तो फिर भी एक दुआ होती है ये आपने अपने प्ले ग्रुप में भी पढ़ा फिर आ, प्रेप में पढ़ा फिर आ, फिर एडवांस में फिर प्रेप में तो अभी हम वन में भी आपने रिपीट की थी वी आर गोइंग टू रिपीट इट अगेन आर यू पीपल लिस्निंग में सुन रहे हैं ना मेरी बात अलहमदुल्लाजी बादमा अमातना व है ना यानी के अलसा तारीफें अल्लाह ताला के लिए है ठीक है नींद का मतलब यहाँ मौत मौत का मतलब यहाँ नींद है ठीक है उसके बाद हमें बेदारी दी यानी कि हमें जगाया और हमें उसकी तरफ ही लौटना है ठीक है ये हो गया हमारा हमारी नींद से बेदार होने की दुआ ठीक है अच्छा अभी मैं आपसे आर यू पीपल रेडी फॉर योर न्यू यूनिट है ना नींद से तो बेदार हो गए हम दुआ भी हमने अलहमदुल्ला पढ़ ली अब आप मुझे जल्दी से ये सोच के बताएं कि वन क्लास में हमने पढ़ा था ना कि किताबें चार हैं है ना पढ़ा था ना और उसमें अल्लाह ताला हमें क्या बताते थे अल्लाह ताला ने हमें उनमें कंटिन्यूसली बताया कि अच्छे काम करें और बुरे कामों को छोड़ दे अच्छे काम करने का सवाब है और बुरे काम करने का गुनाह है इन सब बुक्स में अल्लाह ताला ने हमें यही मैसेज दिया उसके बाद यानी कि सारे अंबिया कर यही मैसेज लेके आए उसके बाद लास्ट वन द बुक हमारी होली कुरान हमारा प्यारा पा पुराने मजीद जो कि कौन से नबी वसल्लम लेके आए कुरान मजीद कौन से नबी वसल्लम लेके आए यस वेरी गुड नबीहाजरत मुहम्मद वेरी गुड आपको तो वन क्लास का सारा याद है तो सोचे भला आज का हमारा लेसन क्या होगा जी ए, कौन बताएगा आज का हमारा लेसन है बिल्कुल ठीक ये देखें जी कुरने मजीद वेरी गुड अनाम लिस्निंग में कुरान मजीद कुरान मजीद हमारी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई आखिरी किताब है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें वो सब बातें इकट्ठा बता, करके बताई जो कि पहली चार बुक्स में अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह ताला हमें बता चुके थे

ये जो आ, आ, बुक्स आ, आती रही, इसमें जो लोग थे ना उस टाइम के लोग ना थोड़े से बस अपनी आसानियां ढूंढते थे ठीक है वो क्या करते थे कि उन बुक्स में थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर देते थे जो बात उन्हें पसंद होती थी उस बात को Uh, वो करते थे थे लाइक कर देते थे जो बात उन्हें नहीं पसंद होती तो थी उसमें चेंज ले आते थे तो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने कहा हो कि लेट इट डू जैसे तुमने करना है करो बिकॉज अल्लाह ताला ने तो प्लान किया हुआ था ना अल्लाह ताला ने क्या प्लान किया हुआ था कि वो आखिर में जो कुरान जो किताब नाजिल फरमाएंगे वो कुरान मजीद होगी और वो अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का खुद जिम्मा लिया अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक कुरान पाक को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं बाकी सब बुक को भी अल्लाह ताला ने ही नाजिल किया था लेकिन अल्लाह तुरान पाक में उन सब की अच्छी बात बुक्स की अच्छी बातें इकट्ठा करके उसको महफूज फरमा दिया पुराने पाक को पुराने पाक जब से नाजिल हुआ है जब से लेके अब तक इसमें कोई चेंज नहीं आई लोग कोई चेंज नहीं कर सकते और अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्यामत तक उसमें कोई चेंज नहीं आएगी जी इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू कि अल्लाह ताला ने बाकी सब बुक्स में चेंजेस आई बिकॉज अल्लाह ताला ने पुराने पाक में तो में एक सारे पैगाम को महफूज कर लेना था इसलिए पाक में कोई चेंज नहीं आई और क्यामत तक कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि अल्लाह ताला का ये फरमान है और जो अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक वो बिल्कुल ठीक फरमाते हैं ठीक है ना अच्छा उसके बाद मजीद सबसे आखिरी और मुकम्मल किताब है पता है ना आपको मतलब ये बातें आपको बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पता है लेकिन क्योंकि हम तो मुसलमान है ना हमारी तो डेली प्रैक्टिस है हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जब सुबह उठते हैं नमाज पढ़ते हैं उस, और उसके बाद हम कुरान पाक पढ़ते हैं और जरूरी नहीं हम सुबह को सिर्फ कुरान पाक पढ़ेंगे हम कुरान पाक जब भी मस्जिद में जाके बाद बच्चे पढ़ते हैं बाद बच्चे साहब आते हैं उनके पास पढ़ते हैं ठीक है ना बाद ममा बाबा से पढ़ते हैं बाज इतने अच्छे बच्चे होते हैं उनकी प्रैक्टिस होती है वो फाइव टाइम्स अ डे नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ते हैं है ना इसका कोई टाइम नहीं होता कि इस टाइम पे पढ़ना है इस टाइम पे पढ़ना है तो कुरान पाक के मुतलिक हमें ये तो पता है कुरान पाक में क्या है लेकिन कुछ ऐसी बातें तो छोड़ी थोड़ी थोड़ी से आप माशाल्लाह टू क्लास के लेवल पे आपको ये बातें बतानी है और आपने ये याद रखनी है समझनी है खाली पेपर देने के लिए नहीं कि पेपर देंगे और जी नंबर आ जाएंगे है ना इसलिए नहीं खाली इसलिए कि हम मुसलमान है ना तो हमसे अगर कोई हमारी बुक के बारे में पूछ ले तो हमें बहुत कुछ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कुरान पाक की जुबान कौन सी है जी अरबी जुबान पाक किस तरह महीने में नाजिल हुआ रमजान के महीने में और पाक कितने टाइम में नाजिल हुआ कितने अर्से में नाजिल हुआ तेईस साल में तेईस साल में और कुरान मजीद में दुनिया की हर चीज के बारे में बताया गया है ठीक है ताकि आप उसको पढ़ के अच्छे काम करें बुराई से दूर रहें और अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे बंदे बन जाएं ठीक अच्छा अब हम जो आपके पास ये वर्कशीट तो आई अभी हमने क्या पढ़ा अभी हमने Uh, ये जो कुछ आपने मैंने अभी आपको रिवाइज किया है ना ये अलहमद ये आपने सब पढ़ा भी हुआ था ऑलरेडी आपने याद किया था हमने थोड़ा सा रिवाइज इसलिए किया है कि अब हमारे पेपर्स होने वाले हैं ना तो हमें ये सब कुछ आना भी चाहिए वैसे भी एक एज ए मुस्लिम हमें सब कुछ आना चाहिए तो अल्लाह ताला अगर मैं आपसे वैसे, वैसे क्वेश्चन करूं कि अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों में क्या हुक्म दिया है तो हु विल आंसर मी कौन मुझे जवाब देगा हम्म hmm, देखती हूँ कौन मुझे जवाब देगा जी अनाबिया अल्लाह ताला ने हमें तूर सेल्फ बेटा अनम्यूट यूर सेल्फ जी अल्लाह ताला ने हमें आसमानी किताबों में क्या हुक्म दिया अच्छे काम करने का हुक्म दिया वेरी गुड ओके हफ्सा हफ्सा आप मुझे बताएं कि कुरान मजीद किस जुबान में नाजिल हुआ अनम्यूट बेटा अनम्यूट यू सेल्फ ओके अनाबिया जी हफ्नाबिया जी हफ्सा पास किस जुबान में नाजिल हुआ हजरत मामा चले लाल वाले से <laughs> किस जुबान में